यूपी के इटावा में पुलिस की मौजूदगी में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि इलाके के दबंगों ने एक पूर्व फौजी के घर का रास्ता बंद कर दिया था, और जब पूर्व फौजी और उसके परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। मारपीट की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस वाले वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस वालों के समझाने का जगह रहे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट में घायल पूर्व फौजी, उनकी पत्नी और बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। दो लोग दबंग हैं, इधर उधर से फोन करवा लेते हैं, पैसे भर देते हैं पुलिस को, तो पुलिस उल्टा इन्हीं लोगों को धमका के भगा देती है।